दोस्तों, जैसे कि आप अगर कुछ समय से हमारे चैनल को देखते आ रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि हम बीच बीच में गेमर्स के बारे में बातें करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बातें करते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत भी कम हो जाए। तो आज के वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो एक गेम की वजह से अब दोबारा रीबिल्ड हो सकता है, या फिर आप छोटी से शब्दों में ये समझ सकते हैं कि भगवान का घर अब एक गेम बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को समय की बर्बादी को ना करते हुए। सब्सक्राइब कीजिए टेक इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोबारा से एक बार मैं वही बात कर रहा हूँ कि विदेशी अखबार जो लोग पढ़ते हैं उनको इस वीडियो को देखने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग विदेशी अखबार नहीं पढ़ते या फिर जो आर्टिकल्स वगैरह है वो नहीं पढ़ते तो वो इस वीडियो को सिंपली देखें, उनको पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। नॉर्थर डैम कैथेड्रल, आई होप मैंने नाम सही से लिया है, अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो कि है पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च है और वो भी तकरीबन 800 साल पुराना एक चर्च है। और जो लोग एसेसिन क्रीड आइडेंटिटी गेम को अपनी पीसी में खेलते हैं उनको इस चर्च के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा और उन्होंने इस चर्च को बहुत पास से देखा होगा, क्योंकि उस गेम में इस चर्च को बहुत ही मतलब डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया था। तो इस चीज़ के बारे में बात करने का फ़ायदा क्या है, तो बेसिकली कुछ दिनों पहले ही, दो तीन दिनों पहले ही इस चर्च में आग लगा था और जिसके तहत कहा जा रहा है ऑलमोस्ट 40-50% जो कि है इस चर्च को डैमेज पहुंच चुका है, और जिसके जरिए अब ये इतना ज़्यादा पुराना था कि उस टाइम पे ना तो कोई ऐसी कैमरा वगैरह हुआ करती थी और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से उसकी पूरी आर्किटेक्चर को संभाल के रखा जा सकता था। तो इसका डेटा कहाँ से मिलेगा, तो इसका डेटा सिर्फ और सिर्फ मिल सकता है एक गेम से जो कि है एसेसिन क्रीड आइडेंटिटी। तो इस गेम में इस महल को जो कि या फिर इस चर्च को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर एक डिटेलिंग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं इतना इम्पोर्टेंट चीज़ का डेटा सिर्फ और सिर्फ एक गेम में था। तो जो लोग सोचते हैं कि गेम बेकार की चीज़ें हैं उन लोगों से छोटी सी दरखास्त है, ये बुरी चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब यहाँ पे मज़े की बात और भी कुछ है, तकरीबन $5,00,000 जो कि है एसेसिन क्रीड देगा इस चर्च को दोबारा से बनाने में। और अगर मैं यहाँ पे चर्च का नाम जो कि है कुछ गलत बोल दिया है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिश्चियन के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे कि हिंदुओं के लिए मंदिर होता है बहुत सारे जागरूक, या फिर मुस्लिम्स के लिए मस्जिद होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को दिल में मत लीजिए, मुझे इसका नाम अगर सही से नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ एक और नया फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ये एक छोटा सा आप कह सकते हैं वीडियो था जिसमें मैंने एक छोटी सी चीज़ को हाईलाइट किया है कि एक छोटा सा गेम भी बहुत बड़ी चेंजेस को रोक सकता है। Yeah.